हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों को लेके चलूंगी कनाडा के फील गुड टाउन में। तो कनाडा के ओंटारियो प्रोविंस में एक टाउन है जिसका नाम है कोबोर्ग और वहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। आप देखो कितना ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। तो ये व्लॉग उन लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो कि कनाडा में रहते हैं फर्स्ट, एंड देन सेकेंड जिनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, थर्ड जिनको सेम डे ट्रैवल करना है, मतलब सेम डे ही उन्हें घर वापस आना है किसी भी रीज़न की वजह से, या तो उन्हें कोई काम है या फिर उनको होटल का एक्सपेंस बचाना है। तो इस व्लॉग को एंड तक देखो और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी प्यारी कितनी सुंदर जगह है। ऑल्सो आपको ये वीडियो एंड तक देख के पता चल जाएगा कि यहाँ पे लोग इस टाउन को फील गुड टाउन क्यों बुलाते हैं। तो या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स क्विकली डाइव इनटू द वीडियो। और अभी हमने कर दी है कार पार्क। हमें यहाँ ब्रैम्पटन से आने में हमें लगा है हाईवे रूट से 2 hours 52 minutes, मतलब अप्रॉक्स 3 घंटे। तो टोरंटो से मेरे ख्याल से 2 घंटे लगते हैं हाईवे रूट से। तो या लेट्स क्विकली डाइव इनटू द वीडियो एंड सी कि कोबोर्ग में क्या क्या स्पेशल है। इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ की पार्किंग ही बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। आप देखो $5 per hour है और ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे पार्किंग लॉट्स बने हुए हैं तो आपको ऐसे पार्किंग ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हमें 5 to 7 minutes लगे हैं। तो अभी हम फटाफट से पार्किंग के लिए पे करते हैं और चलते हैं अपना दिन एंजॉय करने। गाइज, अगर आप लोग सेम डे के लिए आ रहे हो अपने पिकनिक मनाने के लिए तो आप मेक श्योर करो कि आप अपने लिए एक बेडशीट, चेयर्स वॉलमार्ट पे मिल जाती है बहुत रीजनेबल कॉस्ट में, चेयर्स ले आओ। और अगर आप पूरी फैमिली के साथ आ रहे हो तो अपना खाना भी आप लेके आ सकते हो, बारबेक्यू कर सकते हो यहाँ पे। हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि हम वेजिटेरियन है ना तो हमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलता बार पिज्ज़ा, और मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं ये सब ज़्यादा नहीं खाती। तो फिर हम लोग घर से खाना बना के लेके आए हैं और हम लोग अभी तो बीच पे जाएंगे और जब हमें प्रॉपर एक स्पेस एरिया से मिल जाएगी, पार्क वगैरह मिल जाएगा, पार्क में स्पॉट मिल जाएगा, तो फिर वहाँ पे हम लोग अपना जो बेडशीट है वो बिछा के और फिर हम लोग वहाँ पे बैठ के खाना खाएंगे। तो अगर आप लोग आ रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो अपना सारा सामान अपने अच्छे से पैक करके अपने बैग में वो लेके आना आप। और सनग्लासेस मत भूलना क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होती है समर्स में, तो इसलिए, वरना आप फिर बहुत ज़्यादा ब्लाइंड हो जाओगे, नहीं देख पाओगे, इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो अपने सनग्लासेस लेके आना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कनाडा में स्पेशली। अभी हम लोग जा रहे हैं बीच की तरफ क्योंकि पहले हम बीच देखेंगे, फिर बोट के लिए कुछ अलग क्राइटेरिया है, पहले हम बीच देख लेते हैं फिर बोट का बाद में देखेंगे किस तरीके से होगा। तो लेट्स गो। व्हाट अ ब्राइट सनी डे, वेलकम टू कोबोर्ग मरीना। हम लोग यहाँ पे समर में आए हैं तो यहाँ पे डिफरेंट समर एक्टिविटीज़ होती हैं, और अगर विंटर्स में आओगे तो विंटर्स में भी अलग एक्टिविटीज़ होंगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ समर्स में ये ओपन रहता है, विंटर्स में बंद हो जाता है, ये दोनों सीज़न में ओपन रहता है। ये है कोबोर्ग बीच और आप देखो कितनी बिजी है ये आज। पहला तो लॉन्ग वीकेंड है एंड देन समर टाइम है तो सब लोग टाइम स्पेंड करने आते हैं, तो देखो आप कितनी ज़्यादा भीड़ है आज। और काफ़ी सुंदर बीच है यहाँ पे, वाटर जो है ना पानी बिल्कुल ब्लू है, आपको पास से जाके दिखाऊंगी मैं, बट अभी आप ऐसे ही देखो। तो यहाँ पे किड्स के लिए, अगर आपके किड्स हैं तो यहाँ पे उनके लिए स्प्लैश पैड्स भी हैं और थोड़ी 2-4 राइड्स हैं। तो बीच के जस्ट सामने, तो इन केस आपके किड्स को अलग से थोड़ा चाहिए तो फिर किड्स यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे पीछे की तरफ वॉशरूम्स भी बने हुए हैं, रेस्टरूम्स भी हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट है। और यहाँ पर पार्क है, जो भी आप खाना वाना लाए हो वो आप यहाँ के ग्रीन ग्रास पर बैठ के खा सकते हो। तो यहाँ पर बारबेक्यू भी कर सकते हो, फायर अलाउड है यहाँ पर। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, पानी में हम लोग बाद में जाएंगे क्योंकि अभी भूख लगी है बहुत तेज़, 3 घंटे के ड्राइव के बाद हम लोग को भूख लगी है। तो अभी हम लोग अपना खाना वाना खाते हैं एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे बीच में पानी। तो फिर या मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। ये है हमारा खाना, मैं लेके आई थी घर से ब्रेड रोल बना के
और ये कुरकुरे है, ये है राजमा और ये है राइस, ये है पिज्जा के स्लाइसेस। हम पिज्जा लेके आए थे तो उसके स्लाइसेस में रख लिया था मैंने। इसमें है दही, ये है सॉल्ट और ये स्पूंस। तो अभी हम लोग अपना खाना एंजॉय करते हैं एंड फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो घर से बाहर निकल के खाना खाने में जो मजा है ना, वो घर पे बैठ के खाना खाने में नहीं है। तो देखो आप कितनी ग्रीनरी में हम लोग बैठे हुए खाना खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और पानी में जाके तो और मज़ा आएगा क्योंकि जो पानी है ना बिल्कुल ब्लू है, बिल्कुल ब्लू, बिल्कुल क्लियर। तो आप देखो इतने व्यू कितना अच्छा है, कितना प्यारा है। वन मोर इम्पॉर्टेंट ब्यूटी टिप, अगर आप कैनेडा में आ रहे हो, समर्स में कहीं जा रहे हो बेसिकली, और आप किसी, आप उस टाइम जा रहे हो जब बहुत ज़्यादा सनशाइन हो, बहुत ज़्यादा धूप निकल रही हो, तो घर से सनस्क्रीन लगाए बिना मत निकलना। और हर 3 घंटे पे आपको सनस्क्रीन लगाना है ताकि आप सनबर्न से बच जाओ। और यहाँ पे सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है ना, तो उससे कैंसर, स्किन कैंसर होने का खतरा भी है। तो इसलिए ब्यूटी टिप फॉर यू, ये एक और स्प्लैश पैड है, यहाँ पे आप अपने बच्चों को लेके आ सकते हो। बीच के जस्ट सामने वहाँ पे बीच है और यहाँ पे स्प्लैश पैड हो गया। हेडिंग टुवर्ड्स बीच। इस तरीके से आप टेंट लेके आ सकते हो, होम डिपो, वॉलमार्ट सब जगह मिलता है। और ये मक्खी, ये देखो आप, ये लेके आ सकते हो आप, क्योंकि अभी बहुत तेज धूप होती है ना तो फिर गर्मी में परेशान हो जाता है, तो इसलिए आप इस तरीके से लेके आ सकते हो अपने। यहाँ पे गेम्स भी खेल सकते हो। तो हम लोग पानी के अंदर थे बीच में फॉर 1.5 आवर, और फ़ोन ऑब्वियसली मैं अंदर लेके नहीं जा सकती थी। काफ़ी इन्जॉय किया बीच पे, और अभी बारिश का मौसम हो रहा है तो इसलिए अभी के लिए हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। इन्जॉय कर लिया बीच में जितना करना था, खाना वाना भी सब खा लिया हमने। अब हम देखते हैं कि हम कहाँ जाएंगे। हेलो, आई एम रेडी अगेन। यहाँ आपको जब आप बीच पे आओ आपको पूरी तैयारी से आना होता है। अपनी टॉवल रखनी है, जो आप कपड़े पहन के आते हो ऑब्वियसली वो भीगेंगे, तो फिर आपको एक और एडिशनल कपड़े रखने हैं। इस तरह से प्लानिंग करने से आप अपनी जो ट्रिप है वो अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। व्हाट अ लवली डे। उस साइड थी बीच, और बीच के जस्ट बराबर ये मरीन एरिया है। यहाँ पे लोगों की पर्सनल यॉट्स रखी हुई हैं, तो जिनकी यॉट है और उनके पास टाइम होता है समर्स में, तो वो लोग यहाँ आके अपना दूर तक चले जाते हैं अपनी यॉट लेके, और फिर वहाँ पे अपना फूड, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो एज फार एज आई नो ये सारी प्राइवेट ही हैं, क्योंकि रेंट का तो कोई, मतलब कोई काउंटर भी नहीं बना हुआ कि रेंट पे ले जाके आप इसे एक राउंड लगा के, दो राउंड लगा के, थोड़ा टाइम स्पेंड करके आर्ली बेसिस पे लेके चले जाओ, बट ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि यहाँ पे कोई रेंट एरिया बना ही नहीं हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बात कर रही थी, लोग कैसे बैठ के इंजॉय करते हैं यॉट में। ओके गाइस, तो हम लोग बीच पे 2 घंटा अप्रॉक्स रुके थे, फिर वहाँ पे हमने काफी इंजॉय किया। बीच पे, बीच के अंदर गए, पानी के अंदर गए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। पानी बहुत ज्यादा साफ था, बिल्कुल वाटर जो था वो बिल्कुल ब्लू कलर में था। इतना क्राउड था, इतने लोग आए हुए थे,
देख के ना बहुत ज्यादा हैपनिंग लग रही थी प्लेस, बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत सारे लोग इंजॉय कर रहे थे। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने चेंज वगैरह किया, अब हम लोग बैठ गए हैं कार में और हम लोग जा रहे हैं यहाँ का कॉबर्ग का डाउनटाउन घूमने। देखते हैं कि डाउनटाउन कैसा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस सिटी को, इस टाउन को ओंटारियो का फील गुड टाउन बोलते हैं। फील गुड टाउन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तो यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर जो है ना बहुत ज्यादा प्योर है, एयर जो है बहुत ज्यादा प्योर है। एंड सेकेंड, जो आपने यहाँ पे बीच देखी वो इतनी सुंदर, इतनी प्यारी। तो यहाँ पे काफी सारे लोग ना अपना वेकेशन मनाने आते हैं, जैसे हम लोग आए थे। तो जो लोग भी कनाडा में हैं और वो लोग अपना सेम डे पिकनिक प्लान कर रहे हैं कि सुबह जाके शाम तक वापस आ जाए, उनके लिए बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है यहाँ पे। आप लोग आके 11-12 बजे आप आ सकते हो, 2-3 घंटे की ड्राइव होती है, तो फिर आप लोग यहाँ आ सकते हो और अपना जितना मर्जी चाहे आप बीच में रहो, पानी में रहो, खेलो। बच्चों के लिए भी काफी सारी राइड्स हैं और स्प्लैश पैड्स हैं, तो वो वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। पार्क बना हुआ है तो वहाँ आप खा सकते हो। अभी हम लोग जा रहे हैं डाउनटाउन देखने की डाउनटाउन कैसा है यहाँ का, क्योंकि ऑब्वियसली हम किसी भी सिटी में जाएं, किसी भी टाउन में जाएं, हम वहाँ का डाउनटाउन जरूर देखते हैं। तो अभी हम लोग डाउनटाउन देखते हैं और कल के लिए हमारा कुछ और स्पेशल प्लान है, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है तो मंडे है, कल मंडे भी ऑफ है हमारा। तो कल के लिए हम कुछ और अच्छा एक्सपीरियंस करेंगे, उसकी वीडियो भी मैं डालूंगी। अभी ये वाला व्लॉग ही इतना बड़ा हो गया, पहले ये वाला व्लॉग आएगा, उसके बाद वो वाला व्लॉग आएगा नेक्स्ट, जो हम कल करने वाले हैं। तो अभी के लिए हम लोग चलते हैं डाउनटाउन और मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो अब हम पहुंच रहे हैं कॉबर्ग के डाउनटाउन में। अभी बज रहे हैं शाम के 7 और यहाँ जो कॉबर्ग का डाउनटाउन है वो ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, मतलब जो शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, वो बंद हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ बेसिकली सारे ये जो गोरे हैं वो रहते हैं। तो इन लोगों का यही है 8 बजे सोना और 8 बजे खा पी के सो जाना और सुबह जल्दी उठना, तो इस वजह से यहाँ एक्सक्लूसिवली जहाँ वाइट्स होंगे ना वहाँ पे सारी चीजें जल्दी बंद हो जाएंगी। तो आप देखो, मैं दिखाती हूँ आपको। तो सब चीजें बंद हो चुकी है। यूरोप में भी काफी कंट्रीज में आपको ये मिलेगा अगर आप विजिट करोगे कि सारी चीजें जो हैं वो 8 से 9, मैक्सिमम 9 बजे तक सब बंद हो जाती हैं। तो इस व्लॉग के लिए इतना ही, हम लोग भी घर जा रहे हैं, बीच में देखेंगे अगर हमें कुछ अच्छी जगह मिली तो वहां रुक जाएंगे, बट व्लॉग उसका नहीं करूंगी मैं। तो इस व्लॉग के लिए इतना ही, आप लोग मुझे बताना कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है। जो भी कनाडा में रहते हैं और उनको नहीं पता कि वीकेंड्स पे कहाँ जाएं, उन लोगों को सेम डे पिकनिक करने जाना है, तो उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशंस है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।